हंदवाड़ा से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर कुलंगाम इलाका है, जहां पर पहला सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुला है। और अब खुशखबरी ये है कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बाजार से महंगे सैनिटरी नैपकिन अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, ये सैनिटरी नैपकिन आपको महज एक सैनिटरी नैपकिन 3 रुपए 20 पैसे का पड़ेगा, जो करीबन 6 रुपए कहीं 7 रुपए पड़ता है, अब वो 3 रुपए 20 पैसे का सिंगल नैपकिन पड़ेगा। इससे अब जब सस्ता होगा तो जो एफर्ट नहीं कर सकती हैं वो एफर्ट कर पाएंगी। और इस सेंट्री नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हालांकि रोजगार भी मिलेगा और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत ही अहम कदम है। और अगर बात करें हाइजीन एस्पेक्ट को लेकर, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि तमाम लड़कियों में, महिलाओं में ये अवेयरनेस हो कि सेंट्री नैपकिन यूज करना है। हालांकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोले जाते हैं ताकि वहां पर प्रोडक्ट सस्ता मिले और उनको कोई परेशानी ना हो। अब ऑफिशियल्स का या का मेड इन कश्मीर पैड अब से आगे यूज करना है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती है। और यहां के यूनिट में मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा बहनें आए, काम करे, पैड्स बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बहनों तक 30,000 पैड तक आप बना सकते हो, मतलब आप 4,000 बहनों तक पहुंच सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात है ना, हर किसी को ये प्रॉमिस मुझे सबसे चाहिए। और जो यहाँ ये आपने आर्ट की बात करी, ये गुजरात की आर्ट है, इस तरह के कल्चर रहे, हम हमको याद करें, आप भी दुआओं में याद करें। हाथ से फोल्ड किया, स्क्रू का ये सब कुछ बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक है तो भी, फिर ये प्लास्टिक को एक प्लेट पर ये इसको हुआ हुआ इस पर लगाते हैं, ये है उसका बैकलाइन। ये जो हमारा आज का प्रोग्राम था, ये जो हमने यूनिट एस्टैब्लिश यहाँ किया है, इसका इनिशिएटिव वर्दी डिप्टी कमिश्नर ने लिया है, जिसको जिससे हम इन बच्चियों को एम्पावर करेंगे, इन लड़कियों को जो हमें इसे सैनिटरी नैपकिन्स बनाने हैं, इसको लेकिन फुल्ली फंडेड हमारा हमारे डिप्टी कमिश्नर कफ्फा रानी ने किया है। और उन्होंने जो हमारी निगरानी, हम ICDS प्रोजेक्ट राजवार से है, हमारी निगरानी के अंदर ये रहेगा यूनिट्स। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमने पहला प्रोजेक्ट किया है, हम कोशिश करेंगे जितने सारे कपवारा में प्रोजेक्ट्स हैं, वर्दी डिप्टी कमिश्नर की मदद से हम ये हर एक प्रोजेक्ट में करेंगे। जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, इनको आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ये इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बहुत ही कंसर्न है। परसों हमने 3 जनवरी को भी डिप्टी कमिश्नर, वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ भी एक कंपेन निकाली है कफवारा में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, और वो बहुत ही कंसर्न है इस बेटी के लिए। तो इन बेटियों को हमेशा आगे आना चाहिए, इनको एम्पावर होना चाहिए, खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, उनको डिसीजन मेकर बनना है, इनको हर एक चीज़ में आगे आना चाहिए। ये जो आज का प्रोग्राम था, ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा की तरफ से, जहाँ हमारा जो ICDS प्रोजेक्ट राजवार है, उन्होंने इन कोलाबरेशन विद वर्सिया सलिया फाउंडेशन के साथ ये आज यहाँ एक यूनिट का इफ्तिताह किया। ये नैपकिन प्रोड्यूसिंग यूनिट है, इसमें हमें नैपकिन बनेंगे बहुत सस्ते, चीप नैपकिनस बनेंगे हमारे बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जिससे हमारा जो हाइजीन है, बच्चियों का हाइजीन वो ठीक रहेगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम भी है कि जो आज यहाँ ये प्रोग्राम रहा, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि और भी ये यहाँ ये यूनिट्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। थैंक यू फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे कुपवारा DC साहब हैं, उसका हम थैंक यू अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ पे ये जो प्लांट जो है ना, इसको इनॉग्रेट किया। ये एक फर्स्ट स्टेप है टू अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, बट देखा जाएगा तो ग्राउंड लेवल पर नहीं होता है वुमेन एम्पावरमेंट। हमें वुमेन्स को एम्पावर करने की नीड नहीं है, बट वी हैव टू
हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। हम सारे वुमेन को बिकॉज अगर हम देखेंगे वर्ल्ड लेवल पर देर आर 50% पॉपुलेशन दीज आर वुमेन्स, बट इफ़ वी गो थ्रू द वुमेन एम्पावरमेंट और इफ़ वी गो थ्रू द दे आर ओनली 1% वुमेन्स आर प्रॉपर्टी ओनर्स। सो वी हैव टू हियर जो डीसी साहब ने हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट इनिशिएटिव लिया है जो हमारे लोकल एरिया में, इससे ये एक पहला स्टेप होगा वुमेन को एम्पावर करने की, क्योंकि हम जो यहाँ पे लड़कियाँ वर्क करेंगे उनको उनका बेनिफिट भी मिलेगा और उससे ये होगा कि उनकी एक पहचान बनेगी, लेकिन नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। सो थैंक यू। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो जहाँ यहाँ पर लड़कियाँ जो आते 50 या 100 से ऊपर चली गई हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर उनको वर्क करना है तो वर्क ही नहीं करवाना है, उनको अर्निंग भी होनी चाहिए। सो वो यहाँ पे वर्क भी करेंगे, स्किल भी सीखेंगे और अर्न भी करेंगे। सो देयर इज ऑलमोस्ट 100 गर्ल्स हु आर वर्किंग इन दिस प्लांट। सर जैसे अभी ICDS या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कुपवारा सर को मैं इस तरह से आई एम वेरी थैंकफुल टू देम बिकॉज उन्होंने जो दे आर द फर्स्ट पर्सन हु टेक सच इनिशिएटिव हु आर रियली अप्रिशिएटर्स। हम उसको अप्रिशिएट करने के लिए मतलब वो अप्रिशिएबल है सच में ऐसे सेटअप, और ऐसे सेटअप दूसरे एरियाज में भी ओपन होने चाहिए।